ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराने को कहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर हमला बोला है। बर्क ने कहा कि सरकार सिर्फ मुसलमान को छेड़ने का काम कर रही है। ये लोग जो हैं, ये अपनी राय से दूसरे की मुसलमानों की मस्जिदों में दखल दे रहे हैं, तो हमने तो कभी इनकी मंदिरों में दखल न दिया। वही राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ज्ञानव्यापी का एएसआई सर्वे कराने के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से जो सर्वे करने का आदेश पारित किया है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर का जो स्वरूप है जिस पर लोग आपत्ति करते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा।